नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से। संचारी रोगों की रोकथाम और खात्मे के लिए आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हुई रणनीति। नगर के प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर तमाम गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। नगर आयुक्त ने समस्त SFI और साथ ही साथ ZSO को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। संचारी रोग सप्ताह के तहत कुछ विशेष गतिविधियों और लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी PK श्रीवास्तव ने सभी जोन के सैनिटरी ऑफिसरों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी स्कूलों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए। सर, जिस तरीके से संचारी रोग बढ़ रहे हैं लगातार, तो मोहल्लों में और हर जगह पर साफ सफाई हो रही है, लेकिन रैन बसेरे, भीड़ भाड़ वाले इलाके, दर्शनीय स्थल जो है और जैसे विद्यालय है, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, संचारी रोग अभियान के अंतर्गत और वैसे भी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में भी हम लोग की ये ड्यूटी है कि हर एरियाज़ को कवर करें, चाहे वो मार्केट प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो या जनरल घर हो। इसी के तहत, क्योंकि जो ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं, फुटफॉल ज़्यादा हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया, पार्क हो गई और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ऐसी जगहों में क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा देंगे तो हम एक साथ इस जो स्प्रेड है इसको रोकने में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम लोग रेगुलर डेली कुछ न कुछ निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में आज ये भी निर्देश दिया गया सबको कि ऐसे सभी एरियाज़ जो कि मार्केट प्लेस हैं, टैक्सी हैं, पब्लिक एक्यूमुलेशन के एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये डेली एक्टिविटी कराएँ जिससे कि स्प्रेड को और रोका जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।